सवाबी में वापडा अहलकार कत्ल, हाइड्रो यूनियन का अम चौक में लाश रखकर एहतजाज, बिजली बंद करने की धमकी दे दी। इस पर मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे अमजद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमजद बताइए। जी बिल्कुल, सवाबी मानेरी नवाब बांडा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की वापडा अहलकारों पर फायरिंग, एक लाइनमैन जहां भाग जबकि एक लाइनमैन और एक रेक्टर जख्मी हुआ था। आज वापडा अहलकारों पर फायरिंग के खिलाफ हाइड्रो यूनियन का अमन चौक में जहां बहक होने वाले अहलकार की लाश रखकर एहतजाज किया, मर्दान व जहांगीरा रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद किया। मुजाहरीन ने कहा कि हमें अपने खून का हिसाब दिया जाए, शाम तक अगर मुलजिम गिरफ्तार न हुए तो पहले सवाबी और फिर पूरे सूबे की बिजली को बंद करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, सवाबी मानेरी नवाब बांडा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की वापडा अहलकारों पर फायरिंग, एक लाइनमैन जहां भाग जबकि एक लाइनमैन और एक रेक्टर जख्मी हुआ था। आज वापडा अहलकारों पर फायरिंग के खिलाफ हाइड्रो यूनियन का अमन चौक में जहां बहक होने वाले अहलकार की लाश रखकर एहतजाज किया, मर्दान व जहांगीरा रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद किया। मुजाहरीन ने कहा कि हमें अपने खून का हिसाब दिया जाए, शाम तक अगर मुलजिम गिरफ्तार न हुए तो पहले सवाबी और फिर पूरे सूबे की बिजली को बंद करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, सवाबी मानेरी नवाब बांडा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की वापडा अहलकारों पर फायरिंग, एक लाइनमैन जहां भाग जबकि एक लाइनमैन और एक रेक्टर जख्मी हुआ था। आज वापडा अहलकारों पर फायरिंग के खिलाफ हाइड्रो यूनियन का अमन चौक में जहां बहक होने वाले अहलकार की लाश रखकर एहतजाज किया, मर्दान व जहांगीरा रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद किया। मुजाहरीन ने कहा कि हमें अपने खून का हिसाब दिया जाए, शाम तक अगर मुलजिम गिरफ्तार न हुए तो पहले सवाबी और फिर पूरे सूबे की बिजली को बंद करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका।